हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अबीट्स पर बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा। ये बहुत से रीजन में दूधी के हलवे के नाम से भी जाना जाता है। लौकी का हलवा एक बहुत ही अनकॉमन सा हलवा है, बट ये कॉमनली बनाए जाने वाले गाजर के हलवे जैसा ही टेस्टी होता है। तो देखते हैं लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। ग्रेटेड लौकी 1 कप, दूध 1 और आधा कप, घी 2 से 3 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया है आमंड्स 10 से 12, काजू 10 से 12, चीनी 4 से 5 टेबलस्पून। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में या किसी गाढ़े बर्तन में 1 और आधा कप फुल फैट दूध लो फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। दूध को चेक करते रहे और बीच बीच में चलाते रहे ताकि वो नीचे से जले नहीं। दूध को आधा या कम से कम 1 कप तक कम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दूध के फटने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। विस्क करने से फुल फैट दूध के क्रीम को तोड़ने में आसानी होती है। अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और कढ़ाई अच्छे से गर्म होने पर 2 से 3 टेबलस्पून घी गर्म करेंगे। घी गर्म होने पर 1 कप ग्रेटेड लौकी डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर भुनेंगे। ध्यान रहे, जब आप लौकी कद्दूकस करें तो फ्रेश लौकी ही ले जिसमें लौकी के बीज बहुत छोटे हों। लौकी को टेस्ट करके जरूर चेक कर ले कि लौकी बहुत खट्टी या कड़वी तो नहीं। लौकी का हलवा बनाने के लिए लौकी का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लौकी में दूध ऐड करने पर दूध पूरी फट सकती है। और हाँ, लौकी के स्किन और बीज के हिस्से निकाल कर ही कद्दूकस करें। लौकी को लो फ्लेम पर तब तक भुने जब तक इसका सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए। जब तक ये भुन रहा है, एक पैन में थोड़ा सा घी लेकर 10 से 12 काजू और 10 से 12 आमंड्स को लो फ्लेम पर हल्का सा आधे से 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए सॉटे करें और फिर ठंडा कर चॉप कर ले। आप ये प्रेपरेशन लौकी भुनने के पहले भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट भुनने पर आप देख सकते हैं लौकी घी छोड़ने लगी है। लौकी अच्छे से घी से अलग हो चुकी है। इस टाइम बॉइल्ड दूध डालेंगे। ध्यान रहे, लौकी और दूध दोनों गर्म होनी चाहिए। लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में दूध पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गई है। फिर इसमें 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी के मेल्ट होने पर लौकी का हलवा थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। इसे चलाते हुए गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। लौकी का हलवा बनाने के पूरे प्रोसेस में फ्लेम को कम ही रखना है। अब लास्ट में चॉप ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये दूध को पूरी तरह से अब्सॉर्ब ना कर ले और थोड़ा घी ना छोड़े। और ये लीजिए, बन गया सुपर डिलीशियस लौकी का हलवा। इसे गर्मा गर्म या ठंडा सर्व करें। लौकी का हलवा 2 से 3 दिन तक रेफ्रिजरेट कर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये लौकी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपबीट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।